आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वाशिंगटन से कॉकअप फरशोरी। और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिक आचार्य। समझौता एक्सप्रेस में आज चर्चा वाशिंगटन में राष्ट्रपति ओबामा, आसिफ अली जरदारी और हामिद कारजई के बीच अहम बातचीत की, और इसमें भारत पाकिस्तान संबंधों के सिलसिले में क्या कुछ निकल कर आ सकता है उस पर भी हम ध्यान देंगे। कौकब निहारिका, आपने बात की इंपॉर्टेंस की। वाकई में ये जो टॉक्स हो रही हैं इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और हम अपने नाज़रीन को रिपोर्ट्स दिखाते रहते हैं अपने प्रोग्राम्स में अक्सर कि यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वाशिंगटन में, सबसे ज़्यादा उस पर सोच विचार की जा रही है। यहाँ के थिंक टैंक्स में सबसे ज़्यादा उसके बारे में बात होती है, जो ब्रीफिंग्स होती हैं ऑफिशियल उसमें भी सबसे ज़्यादा उस पर बात होती है। हमने इन टॉक्स की अहमियत के बारे में बात की जनूबी एशिया के उमूर के माहिर वॉल्टर एंडरसन से। वाशिंगटन में सैफरी के इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। इससे जाहिर होता है कि जनूबी एशिया का खिता अमरीकी खारजा पॉलिसी के लिए कितना अहम है। कौकब, इस बातचीत को लेकर, इस मुलाकात को लेकर भारत में भी खासी दिलचस्पी है, और वो इसलिए क्योंकि भारत ये जानना चाह रहा है कि राष्ट्रपति ओबामा राष्ट्रपति जरदारी से क्या कुछ कहेंगे, खासकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के सिलसिले में। तालिबान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उसके साथ भारत के नज़रिए से ये बात बहुत ही अहम है कि पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, आतंकवादी गुट हैं, उनको किसी भी तरह की पनह ना मिले। क्या इस सिलसिले में राष्ट्रपति ओबामा बात करेंगे, उस पर भारत की बहुत दिलचस्पी है। निहारिका, इसी चीज़ पर फोकस है, क्योंकि अब जब टेररिज्म की बात आ जाती है, टेररिस्ट से लड़ने की बात आ जाती है, या उन एलिमेंट से लड़ने की बात जो किसी भी तरह से डीस्टेबलाइज करना चाहते हों स्टेट को, एपरेटस को, तो फिर उसमें जो तमाम क्वालिफिकेशंस हैं, तमाम जो उसके एडजेक्टिव्स हैं वो हट जाते हैं कि वो किस किस्म के हैं, उनकी नौयत क्या है। और फोकस जो है वो इस वक्त दुनिया का वो इसी पर है कि टेररिस्ट से लड़ा जाए, चाहे वो इंडिया को टारगेट कर रहे हों, अफगानिस्तान को कर रहे हों, या अमेरिका को कर रहे हों, या पाकिस्तान को। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में भी ये बात अक्सर सुनने में आ रही है पिछले कुछ हफ्तों में। जानकार जो है वॉशिंगटन में, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि दुश्मन भारत नहीं है, और पाकिस्तान अपनी फौज को भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करने के बजाय पाकिस्तान को देश के अंदर जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनसे लड़ने पर ध्यान देना होगा। और इसी सिलसिले में हमने एशिया जानकार डैनियल ट्वाइनिंग से बात की, आइए देखें। Part of the challenge. अमेरिका, भारत और उन पाकिस्तानियों के लिए जो भारत के बारे में परेशान नहीं, ये चैलेंज है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों को कायल करें कि वो अफगानिस्तान और भारत के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में सोचें। आज का भारत उस भारत से यकसर मुख्तलिफ है जिसने माजी में पाकिस्तान के साथ जंगें लड़ी। मैं ये कहूँगा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद कश्मीर के मसले पर भारत की डायरेक्शन पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जनूबी एशिया में भारत एक उभरती हुई ताकत है जो कुत्ते को खुशहाली की तरफ ले जा सकती है, और पाकिस्तान को भी तरक्की के इस अमल का हिस्सा बनना चाहिए। भारत को लेकर पाकिस्तान में जिस तरह का माइंडसेट देखने को मिलता है, खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप में, उसमें बदलाव किस तरह से लाया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर ये संबंध आगे सही तरीके से बढ़ने हैं तो। क्या पाकिस्तान की आवाम की जनता इसमें मदद नहीं कर सकती? निहारिका, इसमें पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल, और जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है तो हम देखते हैं कि आवाम बहुत ज़्यादा इसमें करती है। एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है वो इंडियन लीडरशिप का कोई ऐसा इनिशिएटिव कि पाकिस्तान को इस किस्म की कोई रीअश्योरेंस। इसी सिलसिले में हमने जो जनूबी एशियाई उमूर के माहिर और पाकिस्तानी उमूर के खासकर माहिर वॉल्टर एंडरसन हैं, उनसे बात की कि दोनों हुकूमतों को किस किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसके नतीजे में वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट बिल्ड हो, जिसकी बात यहाँ वाशिंगटन में की जा रही है। My guess is they may try. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और भारत एक बार फिर गैर सफारती ज़राए से मुज़ाकरात शुरू कर लेंगे। माजी में इन मुज़ाकरात के बारे में एक रिपोर्ट से जाहिर होता है कि दोनों ममालिक तमाम हल तलब मामलात बशमूल मसला कश्मीर हल करने की सलाहियत रखते हैं। दोनों ममालिक की क़यादत भी समझती है कि बेहतर तजारती ताल्लुकात दोनों ममालिक के फायदे में हैं, और तआवुन के जरिए ही अदम इत्माद की फिजा खत्म हो सकती है। निहारिका, वही ट्रस्ट की बात जो हम बार बार करते हैं, वॉल्टर एंडरसन का भी यही कहना है कि दोनों मुल्कों के लिए ज़रूरी है कि उनके दरमियान ऐसे ताल्लुकात हों कि खित्ते के मसाइल के हल पर उनकी तवज्जो, और इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रस्ट हो। और जैसा कि वॉल्टर एंडरसन ने यह भी कहा कि लीडरशिप को अब एक पहल करनी होगी दोनों देशों के। भारत में चुनाव चल रहे हैं, तो जैसे ही नई सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान संबंध को एक बार फिर पटरी पर लाने पर भी सोच विचार किया जाएगा। और ये हफ्ता खासकर क्षेत्र के लिए बहुत ही अहम है, और हमारी नज़र बनी रहेगी। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी समझौता एक्सप्रेस में, भारत और पाकिस्तान के संबंधों के एक और पहलू को लेकर हम आपके पास हाजिर होंगे। तब तक कौकब और निहारिका को इजाज़त दीजिए।